हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल, वेलकम टू इंडियन ब्यूटी गाइड। मैं हूं आप लोगों की गाइड, यस आई एम मौसमी। चलिए आज भी एक रिव्यू देख लेते हैं। सो कौन सा चीज है, आप लोगों को तो पता चल ही चुका है कि आज कौन सा चीज का मैं रिव्यू करने वाली हूँ। और हाँ, आप लोगों को जो इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो लोग मेरे चैनल में नहीं है, न्यू है, तो उन सभी लोगों का दिल से स्वागत। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा चीज है। ये नायका का क्ले इट कूल मास्क है गाइस। यस, मूवी वाला मास्क नहीं, नायका वाला मास्क। ये है स्पॉट करेक्टर मास्क, आप लोग देख सकते हो। ये इतनी सी टब में आता है और मैंने इनको नायका से मंगवाया है। इसका प्राइस 599 है, पर ऑफर में था तो मुझे मिल चुका है। और इसका जो एक खास बात है गाइस, वो है पैराबेन फ्री है। ये कोई भी एनिमल के ऊपर टेस्टेड नहीं है। ये SLS फ्री भी है और ये इसमें पैराबेन भी नहीं है। और गाइस, अगर आप नायका से कोई भी मास्क, ये इस प्रकार के बहुत सारे मास्क होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपके स्किन के लिए कौन सा सूटेबल है और कौन सा नहीं है। इसका प्राइस 599 होता है, पर अगर आप ऑफर में जाओ तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। ये मेरी तरफ से गारंटी है, क्योंकि नायका में हमेशा ऑफर चलता रहता है गाइस। और ये जो स्पॉट करेक्टर है, जैसे आप दिख रहे हो बाहर का जैसे पैकेजिंग है, ये जो मास्क है ना, ऐसे ऐसे येलोश में आएगा गाइस। आप मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कोई भी चीज ना लगा, कोई भी चीज लगाने से पहले अपनी स्किन पर पहले यहाँ पे हाथ पे, यहाँ पे या फिर अपने एरियो पर जरूर पैच टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमेशा वो करना जरूरी होता है। और मैंने खुद से किया है और मैं इनको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, जब से मंगवाया है उससे टाइम से यूज कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इसका जो स्मेल होता है ना गाइस, एकदम पागल कर देना होता है। देख सकते हो गाइस, मैंने इनको ऑलरेडी यूज कर चुकी हूं। थोड़ा सा लगाइए, ये आपके चेहरों पे या फिर बॉडी पे भी आप लगा सकते हो, शोल्डर्स में। तो मुझे पसंद है, क्योंकि मैंने खुद से देखा है कि ये सच में स्पॉट करेक्टर्स है गाइस। क्योंकि आपको शायद अब जब पहली बार दफा यूज करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप 2-3 टाइम्स के बाद आपको फर्क दिखने लगेगा अपने चेहरे पे, या फिर कहीं पे भी लगा रहे हो स्पॉट करेक्ट होने के लिए तो आपको दिखने लगेगा। इसको 10 से 15 मिनट तक आपको रखना है, उसके बाद ही आप इनको वॉश कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइस, तो ये सूख चुका है, तो मैं इनको वॉश करके आती हूँ। तो गाइस देख सकते हो, मैंने इनको वॉश कर लिया है, एकदम सॉफ्ट सा है। और मुझे इनका जो फ्लेवर्स है, इनका जो मतलब परफ्यूम्स वाला स्मेल है ना, मैं एकदम पागल हो जाती हूँ। देख सकते हो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों के चेहरे पे थोड़ा बहुत पिगमेंटेशंस का दाग रहता है या फिर कुछ भी चीज़ों का दाग रहता है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि हम हर किसी की सपना है, कुछ भी बोलिए, कि हमारे चेहरे पे कुछ ना रहे, पर वो कुदरत का देन होता है कि हमारे हार्मोन की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसके लिए कोई मैटर नहीं कि आप सही से प्रोडक्ट चुनो और सही तरह से उसको इस्तेमाल करो, तो आगे से आपको फर्क जरूर दिखेगा गाइस।
गाइज लास्ट में और एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग हमेशा से जो भी चीज उठाते हैं मार्केट से देख के पसंद आता है, पर हम उसके पीछे दिए हुए लेबल को नहीं पढ़ते। यस गाइज, तो आप लोगों को जैसे पता होता है कि आप लोग अगर कहीं से भी कुछ भी खरीद रहे हो, सो प्लीज प्लीज चेक योर डेट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड प्लीज प्लीज उनमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं। सो प्लीज उनको पढ़िए, उनको पढ़ने के बाद ही आप लोग उनको खरीदिए। प्लीज गाइज, ये मेरा मतलब ये मेरा मानना है कि अगर आप ना जान के वो उसको इस्तेमाल करो तो आपकी ये जो स्किन्स है, यहाँ की जो स्किन्स है वो खराब हो सकती है। और पता है कि एक बार स्किन्स खराब हो जाने के बाद मतलब वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये जो स्किन्स होते हैं ना गाइज, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत प्योर होते हैं। तो इस वजह से सो आप लोग कुछ भी यूज़ करिए, पर उसके पहले आप ये ज़रूर मतलब अपने आप से कह लीजिए कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो या जो भी चीज़ देख रहे हो वो आपकी स्किन के लिए एकदम सूटेबल है, एकदम सूटेबल है। कोई भी है, और कुछ भी चीज़ लगाने के बाद मतलब अगर कुछ भी चीज़, कुछ भी फेस पैक हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप लगा रहे हो और उसके बाद आपको लग रहा है कि आपको स्किन में इचीनेस हो रही है, तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए और उसको चाहे तुरंत ही वाटर से मतलब एकदम वॉश कर लीजिए, कहीं पर भी लगा हुआ हो। कि अगर वो आपके स्किन के सूट नहीं कर रहा है तो ही वो इचीनेस हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एज अ ब्यूटी गार्ड मैं नहीं चाहती मेरे जो सारे दोस्तों, जो सारे फ्रेंड्स लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ करें। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।